किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आजकल सोयाबीन में पीले पड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सोयाबीन पीली पड़ रही है, उसका क्या करें। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे कि सोयाबीन में पीला पड़ने की समस्या क्यों आ रही है, उसका किस प्रकार से हम उपाय कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर दबा देना। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सोयाबीन में पीलापन के कारण की, तो सोयाबीन में पीलापन आने के प्रमुख कारण तीन होते हैं, जिसमें से पहला कारण सोयाबीन में ज़्यादा पानी गिरना या कम पानी गिरना, दूसरा यह हो सकता है कि पोषक तत्व की कमी हो जाए और उससे भी सोयाबीन में पीलापन आ सकता है, और तीसरा यह है कि फंगस के अटैक के कारण भी सोयाबीन में पीलापन आ सकता है। तो किसान भाइयों, अगर बात करें ज़्यादा पानी गिरने की, तो अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा पानी गिर गया है, आपके खेत में ज़्यादा पानी भर गया है, जल भराव हो गया है, तो आप जल्दी से उस पानी को किसी भी प्रकार से बाहर निकालिए, उससे आपके सोयाबीन में पीलापन दूर हो जाएगा। अगर बात करें कम पानी गिरने की, तो इस साल वैसे भी कम पानी गिर रहा है, तो हो सकता है इसी वजह से भी सोयाबीन में पीलापन आ रहा है। तो आप जल्दी से सोयाबीन में स्प्रिंकलर लगाएं, या फिर आप किसी भी प्रकार से सोयाबीन की सिंचाई करें, जिससे सोयाबीन में पीलापन दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है पोषक तत्वों की कमी के कारण, क्योंकि सोयाबीन में अधिकतर देखा गया है कि इसमें अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी जैसे ही होती है, वैसे ही सोयाबीन में पीलापन आ जाता है। तो आपको अलग अलग स्टेज पर अगर पीलापन आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के NPK जो घुलनशील खाद आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके सोयाबीन में फूल नहीं आए हैं और उससे पहले ही अगर पीलापन आ रहा है, तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे 500 ग्राम प्रति एकड़ कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन में पीलापन दूर हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ आपकी सोयाबीन की होगी। अगर सोयाबीन में फूल आ गए हैं और फलियां नहीं बनी हैं अभी तक, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज पर आपका सोयाबीन है और उसमें पीलापन आ रहा है, तो उस समय पर सिर्फ नाइट्रोजन और पोटाश की आवश्यकता होती है, उस समय पर फॉस्फोरस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उस समय पर आप NPK का जो 13-0-45 आता है, उसका स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपके पौधे को नाइट्रोजन और पोटाश मिल जाएंगे, जिससे पौधा आपको पीलापन दूर हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। अगर आपके सोयाबीन में फलियां बनने शुरू हो गई हैं, फलियों का काम चल रहा है, और उस समय पर अगर सोयाबीन में पीलापन आ रहा है, तो उस समय पर आप 0-0-50 का स्प्रे करें, जिससे सोयाबीन में फलियां भी मजबूत बनेगी और पीलापन भी दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे कारण की, फंगस के कारण भी आपके सोयाबीन में पीलापन आ सकता है। तो आप किसी भी एक अच्छी फंगीसाइड का प्रयोग करें, जिससे आपके सोयाबीन में फंगस दूर हो जाएगी और पीलापन खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो स्वादीन फंगीसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर UPL की साप, ओपेरा, जेलरो, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमने शॉर्ट में आपको बहुत लाभदायक जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।